नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है वीवो ब्रांड का है और दोस्तों मॉडल नंबर है वीवो Y1S। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है वीवो Y1S, ओके। और डिवाइस दोस्तों हमारी ऑन है और डिवाइस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पासवर्ड लॉक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए डिवाइस हमारी पासवर्ड लॉक है, ओके। तो दोस्तों अगर आप वीवो Y1S यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक या पिन लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके वीवो Y1S में लगा हुआ है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने वीवो Y1S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो कैसे दोस्तों आपको वीवो Y1S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा, ओके। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे आपको वीवो Y1S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है। तो यहाँ फाइनली दोस्तों हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ से दोस्तों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ दोस्तों वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा, ओके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये जो डिवाइस है वीवो Y1S, इसका आपको USB ड्राइवर अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करना है, ठीक है। चूंकि मैंने अपने लैपटॉप में पहले से जो है कि इसका USB ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करके इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ। लेकिन USB ड्राइवर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप बहुत आसानी से इसे डाउनलोड करिएगा और सबसे पहले अपने लैपटॉप या PC में इसका जो USB ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करिएगा, अदरवाइज आपकी डिवाइस PC से कनेक्ट नहीं होगी, ओके। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, इस डिवाइस को मैं अनलॉक करूंगा मिराकल थंडर 2.82 की हेल्प से, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, मिराकल थंडर 2.82 की हेल्प से। आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिराकल थंडर 2.82 है, ये क्रैक वर्जन है दोस्तों, ओके। आपको इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री टूल है और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टूल है क्रैक वर्जन है, तो आपको करना क्या होगा, ये जब टूल को आप ओपन करते हैं ना, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्टार्ट बटन हाईलाइट नहीं होता है, ओके। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो करेंट डेट है आप उसे 2 साल बैक कर दें। मेरे कहने का मतलब है अभी 2021 चल रहा है, आपको 2019 कर देना है, 2017 कर देना है, मतलब कि 2-3 साल आपको बैक कर देना है डेट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, अपने यहां डेस्कटॉप में जो हमारा ये डेट है उसको मैं 2-3 साल बैक कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने बैक कर दिया, ओके। अब मैं इस टूल को ओपन करूंगा, तो ये रहा मिराकल थंडर 2.82, मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप इस डिवाइस का FRP भी बाईपास कर पाएंगे और अगर आपकी डिवाइस पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक है तो वो भी रिमूव कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है मिराकल थंडर 2.82 का, ओके। तो अभी देखिए दोस्तों, इस टूल में कुछ सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ एक फाइल है वीवो Y1S करके, मैं क्या करता हूँ इसे राइट क्लिक करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ओके। फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे फाइल है, ओके। अब देखिए दोस्तों मैं करता क्या हूँ, ये फाइल जो है ये अनलॉक फाइल है, इस फाइल को हमें इस टूल में ऐड करना है, ओके। तो अभी आपको करना क्या होगा, इस ये जो डिवाइस है वीवो Y1S, इसमें MTK IC है, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ये देखिए सारे जो IC हैं वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको इसमें MTK सेलेक्ट करना है, ओके। MTK के अंडर में आपको एक यहाँ पे ये देखिए कस्टम सेटिंग मिलता है, ये रहा कस्टम सेटिंग, ठीक है। तो आप कस्टम सेटिंग पे क्लिक करें, ओके। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फाइल है इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको इस बॉक्स को चेक करना है, देखिए DA फाइल है, ठीक है, इसके सामने बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको चेक करना है। उसके बाद ये रहा DA फाइल, आपको DA फाइल पे क्लिक करना है और फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, ओके। और वीवो Y1S यहाँ देखेंगे आप, तो ये देखिए वीवो Y1S, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिए DA फाइल, मैंने DA पे क्लिक किया था और ये DA फाइल, ठीक है। डबल क्लिक करके इसमें ऐड कर लेंगे, ये देखिए फाइल हमारी ऐड हो गई, ओके। अब फाइल हमारी ऐड हो चुकी है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ आपको ये चेक करके रखना है, ओके। अब उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है कि यहाँ देखिए आपको एक सर्विस मिलता है, ये रहा सर्विसेज, ठीक है। आपको ये सर्विसेज पे क्लिक करना है, ओके। और उसके बाद यहाँ देखिए सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, ये रहा फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ओके। बाकी यहाँ पे ये जो फोर्थ बूट है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, ये ऑटो रहेगा, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सेफ मोड है, इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सेफ मोड को अनचेक कर देना है और यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑटो और एडवांस FRP, इन दोनों को चेक करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारे डिवाइस का FRP भी रिमूव हो जाए और साथ ही साथ हमारे डिवाइस का पैटर्न, पिन और पासवर्ड भी रिमूव हो जाए, ओके। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, डिवाइस को पावर ऑफ करना है, डिवाइस को कनेक्ट करना है।
तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आप डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपके लैपटॉप या पीसी में ये जो डिवाइस है वीवो Y1S, इसका ड्राइवर आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। अगर आप सॉरी इंस्टॉल करके रखना है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपकी डिवाइस पीसी से कनेक्ट नहीं होगी, ओके। तो मैंने डिवाइस को शायद पावर ऑफ किया है, एक मिनट, अभी के लिए फिलहाल मैं करता क्या हूँ दोस्तों, यहाँ मैं अपने डेस्कटॉप में जो है कि डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। डिवाइस मैनेजर इसलिए दोस्तों ताकि जब मैं अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करूँ तो वहाँ पे पोर्ट शो करता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो डिवाइस है वो हमारे पीसी से या लैपटॉप से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहा माई कंप्यूटर, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ रहा मैनेज, मैं मैनेज पर क्लिक करूँगा, ओके। और उसके बाद ये रहा डिवाइस मैनेजर, मैं डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डिवाइस को मैंने पावर ऑफ नहीं किया, रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको पावर ऑफ करना है, ठीक है, तो हम इसको पावर ऑफ कर लेते हैं, ओके, पावर ऑफ, ओके, डिवाइस हमारी पावर ऑफ हो गई, ठीक है। और अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है, ये आपको पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, port.com/lpt, ठीक है, आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हमारी डिवाइस हमारे इस पीसी से कनेक्ट होगी तो यहाँ पे आपको पोर्ट, एक एक्स्ट्रा पोर्ट शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके ये दिखाता हूँ, फाइल हमने ऐड कर दी, सारा प्रोसेस आपको बता दिया, अब आपको कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों डिवाइस को। कोई कुछ नहीं करना है दोस्तों, कोई बूट की, वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन, आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना है, ओके। आपको डायरेक्टली करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ सेकंड यहाँ वेट करें, अभी यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आना चाहिए, ये देखिए यस नो, आपको नो कर देना है, ओके। और उसके बाद करना क्या है दोस्तों, सिंपली डिवाइस को आपको पावर ऑफ करके रखना है, कोई बटन आपको प्रेस नहीं करनी है, ठीक है। डायरेक्टली ये यूएसबी केबल आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये यूएसबी केबल मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए यूएसबी केबल मैंने इंसर्ट किया। अब वहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस टूल में यहाँ कुछ प्रोसेस होगा, यहाँ देखिएगा पोर्ट शो करेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ टूल में कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए मीडिया टेक का पोर्ट शो कर दिया, यानी कि हमारी डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेस हो रहा है, अभी आपको आगे प्रोसेस होगा, ये देखिए पोर्ट ये शो कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप जो है कि यूएसबी ड्राइवर का खास तौर से ध्यान रखें, वो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यूएसबी ड्राइवर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कुछ सेकंड वेट करना है, और ये देखिए डाउनलोडिंग बूट, आपको कुछ सेकंड वेट करना है ऐसे ही, ओके। अभी कुछ हुआ नहीं दोस्तों, डिवाइस हमारी अभी यहाँ पे फेल्ड हो गया, ये देख सकते हैं स्टार्ट बटन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ से 8th boot, ये जो 8th boot ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, यहाँ हम 4th boot करेंगे, क्योंकि ऑटो करना है, ठीक है। यहाँ हम सेफ मोड को हटाते हैं, ऑटो और एडवांस कर देंगे, ये 4th boot ही होना चाहिए, ओके। और फिर से हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं डिवाइस को, ओके। एंड डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ यस नो आएगा, ये आ गया यस नो, आपको नो पे क्लिक करना है, ओके। और फिर से हम यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे, डिवाइस में कोई बटन आपको प्रेस नहीं करनी है, ओके। तो यूएसबी केबल हम इंसर्ट करते हैं, ओके। और ये देखिए यूएसबी केबल मैंने इंसर्ट किया, और यहाँ देख सकते हैं मीडियाटेक का पोर्ट, और ये देखिए फाइनली दोस्तों सिर्फ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, जैसे ही आपकी डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए FRP और यूज़र डेटा, ये दोनों चेक होना चाहिए, इससे क्या होगा आपके डिवाइस का FRP भी रिमूव हो जाएगा, यानी कि गूगल अकाउंट, और साथ साथ यूज़र डेटा मतलब कि आपका पैटर्न, पिन, पासवर्ड, ये दोनों रिमूव हो जाएगा, ओके। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब ऐसे ही आप वेट करें, और कुछ सेकंड में आपकी डिवाइस ये जो कि अनलॉक हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत कम टाइम लगा, ये देखिए फॉर्मेट नंद ओके, ठीक है। और यहाँ 100% ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी डिवाइस फाइनली अनलॉक हो चुकी होगी, ओके। तो मैं डिवाइस को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो मैं पावर बटन को प्रेस करूँगा, पहले मैं यूएसबी केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ, ओके, और पावर बटन को प्रेस करके देखता हूँ, चूंकि डिवाइस, ये देखिए डिवाइस ऑन हो गई। और अब आप वेट करिए, और 100% दोस्तों इस मेथड से आप वीवो Y1S को अनलॉक कर सकते हैं, डिवाइस का FRP भी रिमूव कर सकते हैं।
आपने देखा वहाँ टूल में बहुत कम टाइम लेगा। पूरा मैटर है दोस्तों ड्राइवर का। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है ना तो आपकी डिवाइस पीसी से बहुत आसानी से कनेक्ट होगी। अगर इन केस जैसा कि आपने देखा मैंने पहली बार कनेक्ट किया तो फेल्ड हो गया, सेकंड टाइम मैंने कनेक्ट किया तो डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई। ये मैटर आपको फेस करना होता है, इसलिए मैं वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया ताकि आप ये चीज़ समझें कि आपको कब और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी आई होप कि ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ क्लियरिंग डेटा आना चाहिए, क्योंकि मैंने डिवाइस को अनलॉक किया है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हमारी डिवाइस स्टक है वीवो पे, आपको ऐसे ही वेट करना है। एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी होता क्या दोस्तों, डिवाइस तो वहाँ अनलॉक हो ही चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेल्ड का जो है कि यहाँ मैसेज नहीं आया, तो डिवाइस तो हमारी अनलॉक हो ही चुकी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपकी डिवाइस अनलॉक होती है लेकिन वीवो लोगो पे स्टक हो जाती है, ओके। ये कभी कभी फेस करना पड़ता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले फेस किया हुआ है बहुत सारी डिवाइसेज में। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में अगर काफ़ी टाइम लेता है आपकी डिवाइस एक्टिव होने में, तो आप एक बार डिवाइस को मैनुअल रीसेट कर दें। इससे क्या होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हैंग ऑन लोगो वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तब, ठीक है, तो आप डिवाइस को हार्ड रीसेट कर दें। हार्ड रीसेट जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करके प्रेस करके आप करते हैं, तो वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस करके आपको रिकवरी मोड पे ले जाके डिवाइस को जो है कि हार्ड रीसेट करना होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम वेट करते हैं और मुझे उम्मीद है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली ऐसा कोई मैटर नहीं इस डिवाइस में, आपने देखा फाइनली डिवाइस हमारी टोटली अनलॉक हो चुकी है, ओके। चालू होने में, एक्टिव होने में डिवाइस वक्त लगता है आपको, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपने देखा अभी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं पहले हमारी डिवाइस पासवर्ड लॉक थी, अभी किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करा, यानी कि डिवाइस हमारी टोटली अनलॉक हो चुकी है, ओके। सेटअप करके मैं कंप्लीटली आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ सेटअप और फोन पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, यहाँ से एग्री कर देते हैं, ओके। यहाँ देखिए स्किप का ऑप्शन है, आपको स्किप करना है। सेटअप तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कम्प्लीटली सेटअप करके दिखा देता हूँ। मोर एक्सेप्ट, यहाँ से नेक्स्ट, ओके, यहाँ से हम स्किप कर देते हैं, ओके, नेक्स्ट, ओके, यहाँ से स्किप करेंगे, ओके, स्किप। जो भी फाइलें हैं दोस्तों, और ये देखिए फाइनली कंग्रेचुलेशन, जो भी फाइल है, टूल है, ड्राइवर है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट में यूज़ नाउ करेंगे, और ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने वीवो Y1S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और FRP लॉक रिमूव कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।